तो गाइस अभी आपने देखा कि जेट प्रॉप जो भाई भी इस कैफे पे आते हैं, मैंने भाई देखो कितनी सारी स्पोर्ट्स बाइक देखते रहते हैं। और लास्ट टाइम हमने वो वाली सारी स्पोर्ट्स बाइक देखी थी जितनी भी हैं, कुछ उसमें से रेंटल हैं और काफ़ी यार तगड़ी तगड़ी हैं, नेक्स्ट लेवल बाइक्स हैं यार। गाइस अगर आप यहाँ पर थ्रोटल शॉटल मारेंगे ना तो पूरा आपको ऐसा फील आने वाला है कि आप मतलब एक हाई क्लास सिटीज़ में नहीं है, मतलब सिटीज़ से आप थोड़ा अलग ही जगह, जो जो जगह मैं आपको लेके आया हूँ। कैसी लगी आपको? थैंक यू यहाँ लाने के लिए। सबसे पहले तो सुमित भाई कह रहे होंगे मनी मन यार, मतलब मैं लेके आया इसको या ये मुझको लेके आया। तो जैसे कहीं आपको प्लान करना होता है टूर के लिए, अकेले जा रहे हो या ग्रुप में जा रहे हो ना, तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वहाँ कैसे तैयारी करें कैसे नहीं। तो यहाँ आप जब आओगे तो आपको इतने सारे राइडर्स मिलेंगे ना कि आप मतलब एक्सपीरियंस के मामले में कुछ मतलब इतना हाई फाई जगह है ना। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो। और संडे मॉर्निंग है तो कुछ इस तरह से शुरू होती है राइडर्स की मॉर्निंग संडे में। और एक चीज़ देखो आप, अभी सनराइज़ सूर्योदय अभी नहीं हुआ है तो सनराइज़ से पहले उठना पड़ता है। और तो अभी मैंने पानी भर लिया है और एज़ यूजुअल यार और दिनों के मुकाबले थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। जिस दिन संडे राइड आपको जाना होगा राइडर्स को, तो उस दिन थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी, आप जानते हैं कि 6 दिन ऑफिस और उसके बाद संडे राइड करना पॉसिबल नहीं होता यार हर किसी के लिए, क्योंकि जिस दिन रेस्ट का डे होता है उस दिन हर कोई चाहता है कि यार उस दिन हम सोए रहें। और पानी की बॉटल रख ली है, दूर थोड़ा दूर जा रहा है राइड पे तो पानी होना साथ में ज़रूरी है, पानी रख लिया। एक बार आप यहाँ का मौसम देख लो अभी सुबह सुबह का कैसा हो रहा है, बारिश आ सकती है, बारिश आने के चांसेस हैं इस टाइम, पूरे बादल बादल और सामने से सनराइज़ हो रहा है। संडे का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें सनराइज़ प्रॉपर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बाकी दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। लास्ट टाइम हम जो गए हुए थे वो हम गए थे फरीदाबाद गुरुग्राम रोड में, थ्रॉटल शॉटल कैफ़े है राइडर्स का, वहाँ गए हुए थे। तो आज का प्लान थोड़ा ज़्यादा चेंज है, बट मीटिंग पॉइंट वही है, हुडा मेट्रो के पास मिलना है। तो सुमित भाई हमें वहीं मिलने वाले हैं, अब चलते हैं हुडा मेट्रो पे और सुमित भाई से मिलते हैं वहीं पे। एक बार बाइक की हालत देखो यार आप, ये पूरा धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है इस पर। तो यार इसको साफ़ करना तो बनता है, सबसे पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सुबह सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करो ना, हफ्ते भर बाद में या फिर थोड़ा लॉन्ग टाइम में ना, तो थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट देना चाहिए, चाहे दिन जो हैं आपके वो जाड़ों के दिन हो या फिर गर्मियों के दिन हो, तो उससे कोई वो नहीं, बट कोल्ड स्टार्ट ज़रूरी है सुबह सुबह के टाइम पर। सिस्टम थोड़ा इसका अलग है, इसमें विदाउट क्लच गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो एक बार इसको अभी इसको कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, तब तक इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आप देखो यार ये धूल कितनी ज़्यादा हो गई है इस पर। यहाँ पे ना दिल्ली NCR में धूल काफ़ी ज़्यादा है यार, मतलब आप गाड़ी एक दो दिन भी खड़े रखो ना तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है इस पर। तो साफ़ करते हैं फिर मिलते हैं सीधे सुमित भाई से। हम पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट पर और सुमित भाई का मैं वेट कर रहा हूँ, सुमित भाई आने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले पहुँच गया हूँ, लास्ट टाइम हम जहाँ पर मिले थे वहीं पर पीछे हुडा मेट्रो है, अब हमारा मीटिंग पॉइंट जो है वो ये हो चुका है। आज भी मैं ही पहले आया सुमित भाई से, तो सुमित भाई का फ़ोन तो आ गया था, सुमित भाई कह रहे हैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। अब प्रोग्राम पहले से 6 बजे का होया करता था, बट अब 6:30 से 6:30 में शिफ्ट हो गया है, तो अब से 6:30 का ही होया करेगा। और सुमित भाई आ रहे हैं अभी, तो देखते हैं आज कोई नई जगह बता रहे थे वो कि नई जगह हमने जाना है। लास्ट टाइम तो हमने कोई दूसरा कैफे थ्रॉटल शॉटल एक्सप्लोर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। वो दिख गए हमें सुमित भाई आते हुए, क्या हाल है सुमित भाई? गुड मॉर्निंग। अभी उधर एक बोनेविल वाला मिला था मेरे को। कहाँ पे? हाँ, मैं पीछे को आने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा यार चलो आ ही जाते हैं। आज सुमित भाई का हेलमेट भी चेंज है गाइस, देख रहे हो, डे के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हेलमेट। आज कहाँ का प्लान है फिर? आज उधर ही जाएंगे, उधर दूसरे कैफे में जाएंगे, पहले तो थ्रॉटल शॉटल ही जाएंगे। पहले अपना प्लान थ्रॉटल शॉटल जाने का, जहाँ हम पिछली बार गए थे, बट उसके अलावा सुमित भाई बता रहे हैं एक और कैफे है कोई, कौन सा वाला है? नाम भूल गए, बट वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। नाइट राइडर्स। पिछली बार तो बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक देखी थी, मज़ा ही आ गया था यार, खतरनाक बिल्कुल। अब देखते हैं आज दूसरा कैफे जो एक्सप्लोर करते हैं। हम पहुंच चुके हैं वो थ्रॉटल शॉटल कैफे में
और यहाँ पे जट प्रभ जोत भाई भी आए हुए हैं देखो, और नेपाली बाइक जो कुछ दिनों पहले नेपाल गए थे, नेपाल से लेके आए थे, वही वाली बाइक है। तो गाइस अभी आपने देखा कि जट प्रभ जो भाई भी इस कैफे पे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ये अपना थ्रॉटल शॉटल कैफे है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे राइडर्स जो हैं वो आते हैं, और आज तो जट प्रभ जो भाई भी आए हैं, जो नेपाल से वो बाइक लेके आए हैं ना, वो भी आप एक बार देख लो। अभी भैया की बाइक का जो नंबर है वो नेपाल का ही है, और इन्होंने अभी इंडियन नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपने इनकी वीडियोस भी देखी होगी, ये पूरा नेपाल से बाई रोड ट्रैवल करके आए हुए हैं दिल्ली में, और लखनऊ स्टे इन्होंने किया हुआ था। सामने है जट प्रभ जोत भाई। अभी जट प्रभ जोत भाई और शायद उनके फ्रेंड्स वगैरह, तो जो अपनी ये इसुजू की ट्रक है इसमें शायद ऑफ रोडिंग करने शायद कहीं जा रहे हैं, तो एक बाइक तो उन्होंने उसमें एक्सपल्स है देखो, और दूसरा जट प्रभ जोत की बाइक, जट प्रभ जोत भाई की बाइक। तो फाइनली चले गए हैं वो लोग, और यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉमन है ना गाइस, अगर आप यहाँ आओगे तो राइडर्स तो यहाँ पे आपको सारे ही मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे राइडर्स आते रहते हैं। अभी देखो एक हायाबुसा आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो चेक दिस यार, ZX10R के बगल में भूसा खड़ी है, और आप देखो ये वही है 1300cc वाली भूसा। सुमित भाई ये कौन है, क्या नाम है इसका? कालू। कालू ब्रो कम हेयर ब्रो, आ जाओ। तो कालू भाई के भी इतने मज़े हैं ना भाई, देखो कितनी सारी स्पोर्ट्स बाइक देखते रहते हैं, और लास्ट टाइम हमने वो वाली सारी स्पोर्ट्स बाइक देखी थी जितनी भी हैं, कुछ उसमें से रेंटल हैं, और काफ़ी यार तगड़ी तगड़ी है, नेक्स्ट लेवल बाइक्स हैं यार, गजब। सुमित भाई सही लग रहा है, मैं तुम्हें जहाँ लाया हूँ बढ़िया लग रहा है। देखा इस देखो सुमित भाई थे, तो इन्होंने मुझे बोला कि कहाँ जाना है, मैं इनको यहाँ लेके आया, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, सही ना? ओ भाई सुमित भाई बोलेंगे कैसे दिन आ गए भाई, जिसको लेके आ रहे हो वही कह रहा कि मुझे लाए हो। यार पिछली बार हम यहाँ पे नहीं आ पाए थे, ये वाली जगह सुमित भाई ने पिछली बार दिखाई नहीं थी, मतलब दिखाई क्या नहीं थी, शायद उस दिन क्लोज था ये, तो मेन कैफे यहाँ पे भी है, और काफ़ी अच्छी सेटिंग है यार यहाँ पे, एक बार आप पूरा कैफे देखो यहाँ का। वो है मेन जहाँ पे आपको बाइक दिख रही है, मेन रोड वो है गुरुग्राम और फरीदाबाद वाला हाईवे। सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा नेचर के बीच में आ गए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा ग्रीनरी काफ़ी सही लेवल की है ना, ऊपर भी सही बना रखा है वहाँ पे बैठने का सेटिंग, और चेकआउट ऊपर ड्रोन शूट भी चल रहा है यहाँ पे। सुमित भाई क्या नाम है इसका, नाम पूछ लो, गले में लिखा होगा। टैग होगा, टैग उसके गले पे, चेरी 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 चेरी। आप उदास क्यों बैठे हो, आंखें देखो चेरी की, चेरी साफ सुथरा चेरी। चेरी आपको पता है हमारे पास एक विक्टर भी है, वो भी ऐसी है, बट आपसे ज़्यादा सीधा है वो। आप भी सीधे हो पर विक्टर भी है। शॉटल शॉटल में आएंगे ना तो पूरा आपको ऐसा फील आने वाला है कि आप मतलब एक हाई क्लास सिटीज़ में नहीं है, मतलब सिटीज़ से आप थोड़ा अलग हैं, मतलब जहाँ पे आपको नेचर का एनवायरनमेंट से रिलेटेड मतलब सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे हो ऐसा लगता है, बहुत सही फील आता है। मतलब सुबह हम जो उठे हैं ना, मतलब
वो कमी खल नहीं रही है कि सुबह जल्दी उठना पड़ा, 6 दिन ऑफिस करने के बाद 7वें दिन यहाँ पे आना पड़ा, उतना वो नहीं लगा। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ है और ऐसा लगा है कि कहीं बगीचे में गार्डन में बैठ रखे हम, बड़ा सही वाला फील आ रहा है। सुमित भाई सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, पूरा अपना ही माहौल है। तो आपको कैसी लगी ये जगह, जो जो जगह मैं आपको लेके आया हूँ, कैसी लगी आपको? थैंक यू यहाँ लाने के लिए सबसे पहले। सुमित भाई कह रहे होंगे मनी मन यार, मतलब मैं लेके आया इसको या ये मुझको लेके आया, बट यार सुमित भाई बहुत सही जगह लेके आए हैं भाई। मतलब ये है ना कि इस कैफ़े से दूसरे कैफ़े जाने का मन ही नहीं किया। सुबह मन था कि भाई दूसरे वाले कैफ़े जाएंगे, बट थ्रॉटल शॉटल में आके ना कहते हैं जैसे मतलब स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग दिखा दिया सुमित भाई ने। बाइकरों का ये ना मंदिर है, मंदिर जहाँ पे जाके जाना होता है, कहीं भी जाते हैं ना पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद सबसे बातचीत करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं कि वहाँ कैसे जाना। जैसे मैं अभी लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ ना, कुछ एक्सपीरियंस है अपने साथ वो शेयर करेंगे यहाँ के। मैं तो क्योंकि नया ही हूँ अभी इस प्लेस पे, तो सुमित भाई बताइए। तो जैसे कहीं आपको प्लान करना होता है टूर के लिए, अकेले जा रहे हो या ग्रुप में जा रहे हो ना, तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वहाँ कैसे तैयारी करें कैसे नहीं। तो यहाँ आप जब आओगे तो आपको इतने सारे राइडर्स मिलेंगे ना कि आप मतलब एक्सपीरियंस के मामले में कुछ मतलब इतना हाई फाई जगह है ना, तो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके उनसे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, वो फिर उनसे आइडिया लेके आप अपना प्लान टूर प्लान कर सकते हो। मैं जब गया था नॉर्थ ईस्ट पे अकेले गया था, तब भी यहाँ पे पहले आया था, सबसे बातचीत करी थी, उसके बाद जाके प्लान बनाया था। तो भाई हमारे सुमित भाई जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट एक बार कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा राइड। तो आप भी अगर फ्रेशर राइडर हैं या फिर न्यू राइडर्स हैं तो इस कैफ़े में आके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे राइडर्स वगैरह आते हैं, तो उनके आप थॉट्स, पूरा प्रोसेस, कैसे आपको एक मतलब ट्रैवल प्लान करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। अगर आपको राइडिंग के लिए कहीं जाना है और आप दिल्ली NCR में हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको मतलब यहाँ के जितने भी ब्लॉगर्स वगैरह हैं वो मिले, तो थ्रॉटल शॉटल इज़ द बेस्ट कैफ़े और आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैं आपको लोकेशन दे दूँगा नीचे लिंक में।